नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको SBI PAPL योनो लोन के बारे में बताऊंगा, कुछ इसकी महत्वपूर्ण डिटेल्स बताऊंगा और एक लाइव डेमो बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने खुद ने PAPL का लोन लिया 25,000 का मेरी वाइफ के अकाउंट में। अब मैं आपको बताता हूं कि PAPL का लोन होता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, यानी कि एक तरीके का ये प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन होता है। आपका पर्सनल लोन भी कहा जाए इसको तो कुछ गलत नहीं होगा। ये लोन इंस्टेंटली मिलता है, जैसे ही आप योनो ऐप में इसको प्रोसेस करते हैं कुछ बटनों की क्लिक करने के बाद सीधा आपके सेविंग अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। ये टोटली पेपरलेस है, मतलब आपको कहीं भी एक पेपर कहीं भी सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑफ़र मिलता है। अब ये PAPL का लोन 25,000 से लेके 8 लाख के बीच का आपको ऑफ़र मिल सकता है, डिपेंड ऑन कि आपकी प्रोफाइल क्या है, कि आपकी सैलरी कितनी आती है और आप कितने ट्रांजैक्शंस करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें जनरली 9% से लेके 12% होती है, क्योंकि PAPL काफ़ी सारे तरह के होते हैं, लगभग 8-10 तरह के PAPL होते हैं, हर किसी में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम ऑफर करता है वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको PAPL का ऑफ़र मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बहुत आसान है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आपको एक SMS करना है PAPL और स्पेस और अपने अकाउंट की लास्ट की 4 डिजिट आपको 567676 नंबर पे भेज देनी है, और ऐसा करने के तुरंत बाद आपके पास एक मैसेज आ जाता है। अब कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आपको पता नहीं चल पाता, जिस तरह जैसे ये मैसेज आ गया कि PAPL का 613,000 का आपको ऑफ़र मिल रहा है। अब मान के चलिए कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है या आप मैसेज सेंड कर रहे हैं रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, योनो ऐप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पर। योनो ऐप तब आप इंस्टॉल करेंगे और आपको ये ऑफ़र आ रहा होगा तो पहले पेज पर ही आपको ये दिख जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल, जो भी लोन अमाउंट है उसके लिए। अब ये मेरी वाली स्क्रीन है तो मुझे मिल रहा था 8 लाख का लोन। अब होता क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सैलरी अकाउंट हो, आप अच्छे ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको PAPL मिले, क्योंकि PAPL काफ़ी सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम है। तो आपकी काफ़ी प्रोफाइल हर ऐप पर लगभग 50 एंगलों से चेक करी जाती है, तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप सैलरीड क्लास है तो आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सिविल अच्छा है, आप रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने सैलरी अकाउंट में, SBI का जो सैलरी अकाउंट है उसमें, और आपकी सैलरी रेगुलर आ रही है, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको भी PAPL का ऑफ़र मिले। अब मैं आपको लाइव डेमो बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने PAPL का ऑफ़र लिया और मैंने किस तरीके से ये लोन अवेल किया और किस तरीके से ये मेरे अकाउंट में आया। फ्रेंड्स, आपके सामने योनो ऐप ओपन हो रही है। योनो पे ऐप पर ओपन करने के लिए आप यहाँ पर ID पासवर्ड या जो भी आपने MPIN सेट कर रखा है वो आप यहाँ डाल देंगे, तो योनो ऐप का जो पहला पेज दिखेगा वहाँ पर आप ये देख सकते हैं, पहले पेज पर ही मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दिखाई दे रहा है कि मुझे सिस्टम ने 8 लाख रुपये का लोन ऑफ़र किया हुआ है। आप आसानी से देख सकते हैं, पहली स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ अवेल नाउ की बटन पे क्लिक करना है। जब मैं अवेल नाउ की बटन पे क्लिक करूँगा तो सिस्टम मुझे आगे बढ़ जाएगा। अब सिस्टम मुझे अगली स्क्रीन पर ले गया जहाँ पर मुझे बताया गया है कि मेरा 8 लाख तक का मैं लोन ले सकता हूँ। मैं इसके अंदर अमाउंट भी चेंज कर सकता हूँ, टेन्योर भी चेंज कर सकता हूँ। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करी गई है वो 11.1% है। प्रोसेसिंग फीस निल है। अगर मैं 25,000 का लेता हूँ 2 महीने के लिए तो मेरी EMI 12,674 रुपये बनती है। इस तरीके से मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लूँगा और सेट करने के बाद मैं नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर मुझे EMI पेमेंट डेट सेलेक्ट करनी है, जिस डेट को भी मेरी सैलरी आती है उससे 5 दिन बाद की मैं डेट सेलेक्ट करूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं वो डेट सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं कि वो सारी लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें आपको पढ़ सकते हो आप। इसमें अगर आप इन सब से सेटिस्फाई हो तो आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट की बटन पे क्लिक करके कंफर्मेशन की बटन पे क्लिक कर सकते हैं। कंफर्मेशन की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक रिव्यू दिया जाएगा कि आपने क्या क्या सेलेक्ट करा है। अगर आपने कुछ गलत सेलेक्ट किया है तो आप बैक की बटन पे दबा सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, आपको वो OTP यहाँ पर फिलअप कर लेना है।
ये देखिए जैसे ओटीपी, ये ओटीपी आ गया, मैं ये ओटीपी यहाँ पर एंटर कर दूंगा और सबमिट की बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव रिसीव योर एप्लीकेशन। और यानी कि 25,000 रुपये का जो अमाउंट था जो मैंने चूज़ किया है वो मेरे अकाउंट में जा चुका है। अब मैं आपको मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट भी आपको बता देता हूँ कि मेरे अकाउंट में ये किस तरीके से आया। ये देखिए, ये मैंने 22 अक्टूबर 2021 को अवेल किया था, ये 25,000 रुपये डायरेक्ट मेरे सेविंग अकाउंट में आ गए। तो इस तरीके से काफ़ी आसान है ये और बहुत सिंपल प्रोसेस है, काफ़ी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ एसोसिएट होइए, टीम मुरारी गर्गर का हिस्सा बनिए। ऊपर आप मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे ग्रुपों के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आपको अपना रेगुलर जॉब करना है, सिर्फ घंटे दो घंटे मैं जो कह रहा हूँ आप वो करते रहिए कि लोगों के डीमैट अकाउंट खुलवाना या फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करना अलग अलग ऐप्स पर, वो सब मैं आपको बताऊँगा और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।